Makeover Family Saloon, hair service for girls and boys. Bleach, hair, do styling, makeup, wax for body and face, facial, cleanup. Pata, Civil Line Chauraha, Union. का अस्तित्व कैसे बना रहे भाई? क्या हुआ अगर आप देखें तो महिलाओं की संख्या, मैंने अनुपात संख्या नहीं, अनुपात कुल जनसंख्या में क्रमशः घटता जा रहा है। तो इस घटते क्रम में एक समय ऐसा भी आ सकता है कि महिलाएं बहुत कम हो जाएं और पुरुष ज़्यादा हो, तो फिर समानता का अधिकार उनको कहाँ मिलेगा? बिल्कुल, जब वो जीवित, जब वो जिएंगी और आगे, तभी ना उनको आप समानता देंगे। तो पहला काम तो यह है कि आपको समानता देने के लिए उनके अस्तित्व को बनाए रखना है, उनको बनाए रखना है। अच्छा, ये हो क्यों रहा है कि उनका अनुपात घट रहा है? एक टेक्निकल शब्द है, सेक्स रेशियो जिसे कहते हैं, लिंग अनुपात प्रति हजार पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या। तो यह केवल कुल जनसंख्या में नहीं, हमने कल अगर आप लोग रहे हो तो ध्यान दिए होंगे कि 0 से 6 वर्ष के जितने लोग हैं उनमें, जिन्हें हम बच्चे कहते हैं, बच्चों में भी महिलाओं की संख्या बहुत कम है, पुरुषों का संख्या ज़्यादा है। फिर हमने और बारीकी से देखा कि भाई जो जन्म के समय, जब जन्म लेते हैं 0 वर्ष माने 1 वर्ष से कम आयु में, उसमें देखा तो और कम है। इसका मतलब कि भविष्य में आने में उनकी, उनका अनुपात और घटता जाएगा, मतलब हर स्तर पर घट रहा है। हाँ, घट रहा है, घट नहीं रहा बल्कि बहुत तेजी से घट रहा है। तो ये सर अपने देश की समस्या है कि हर जगह? नहीं, देश भर की नहीं है, इसमें बहुत सारे देश हैं, चीन सहित है, चीन विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या का देश है, वहाँ हमसे ज़्यादा विकट समस्या है। अच्छा। हाँ, वहाँ हमारी तुलना में ज़्यादा घनिष्ठ समस्या है। देश में क्या स्थिति है सर? देश में क्या स्थिति है? इस देश की बताया ना अभी, हमारे देश में भी कुल जनसंख्या में तो अभी सामान्य सी स्थिति है, 943 महिलाएं हैं 1000 में। लेकिन जब हम और छोटे में चलते हैं, हमने कहा बच्चों में क्या दशा है 6 वर्ष तक, वहाँ और कम हो जाता है, 918 ही है, 100 माने 1000 पुरुष के पीछे 918 ही लड़कियाँ हैं। फिर हमने कहा और एक, जब जन्म लेते हैं बच्चे उस समय देखें तो उस समय और दुर्दशा है, केवल 910 हैं, 1000 बच्चों की, जो बच्चे पैदा होते हैं लड़के, उनके पीछे केवल 910 लड़के लड़कियां ही पैदा हो रही हैं। तो ये कहना हमारा ये है कि ये सभी सूचनाएं बताती हैं कि भविष्य में हमारी महिलाओं की दृष्टि से स्थिति और ख़राब होगी। सर, वजह क्या है इसकी, क्यों कम हो रही है? बहुत सारे काम हैं, लेकिन जो मुख्य वजह है उसमें ये है वास्तव में कि 0 से 6 वर्ष की उम्र में बच्चियों की मृत्यु दर ज़्यादा है, बच्चों का मृत्यु दर कम है। अभी मृत्यु दर ज़्यादा क्यों है बच्चियों का? उसमें से 2 महत्वपूर्ण कारण हैं। एक तो बच्चों को आज भी नेग्लेक्ट किया जाता है, उनकी उपेक्षा की जाती है। जितनी सुख सुविधाएं हम बच्चों को देते हैं, हम उतना बच्चियों को नहीं देते, और इससे ज़्यादा गंभीर समस्या है आज भी जो आन रिकॉर्ड नहीं आ पाती है, वह है कन्या शिशु हत्या और कन्या भ्रूण हत्या। ये तमाम जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन हुए हैं उनसे यह सामने आया है कि 1977 के बाद हमारे देश में इनकी मात्रा बहुत बढ़ी है, और इस कारण ये जो हमारे बच्चों का अनुपात है, बच्चियों का अनुपात है, वह धीरे धीरे घटता जा रहा है। तो सबसे महत्वपूर्ण यह है, हाँ, सरकार इसमें बहुत बेर है, इनने 3 एक्ट बनाए हुए हैं। एक तो पुराना एक्ट है, IPC कहते हैं, वह तो 1860 का, लेकिन इसके बाद एक 1972 में भी एक्ट बना जिसे मेडिकल प्रेगनेंसी टर्मिनेशन एक्ट कहते हैं, मेडिकल प्रेगनेंसी टर्मिनेशन एक्ट 1972 में, और फिर जब वह नहीं रोक पाया तो 1994 में भी एक एक्ट बना, PNDT कहते हैं जिसे, वह जिसमें ये निषेध है कि आप भ्रूण गर्भपात नहीं करा सकते। शर्मा जी, परंतु उनके साथ आ गए, एक मिनट, हाँ, तो उनमें प्रोविजन है कि आप गर्भपात नहीं करा सकते, लेकिन एक छूट दे दी है, उसमें ये लिखा है कि अगर जो गर्भवती है उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो गर्भ, अथवा गर्भ में जो बच्चा है वह खराब तरह का हो, तो गर्भपात करा सकते हैं। बस इसी लूप होल का फायदा लेकर लोग कहते हैं, हाँ, गर्भ में बच्चा ठीक नहीं है या ये मर जाएगी, इस तरह से गर्भपात कराते हैं। तमाम सर्वे हुए हैं, बम्बई में, दिल्ली में,
ये एक एक अस्पताल में लगभग 100-100% जो गर्भपात हुए 100-100% लड़कियों की होते हैं। सर होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि जो एक्ट बना है उसका परिपालन होना चाहिए। अगर वो होने लगे तो ये बहुत कम हो जाएगा। और एक थोड़ा सा अवेयरनेस लोगों में। सर आप जो बता रहे थे अभी जैसे दिल्ली बम्बई में, बम्बई में तो एक अस्पताल में 100% गर्भपात कराया गया जो था, ये अभी की नहीं है, ये 8-10 साल पहले की डेटा है। अच्छा। तो वह 100% कन्या भ्रूण हत्या की थी मुख्य रूप से। ये समस्या डेमोग्राफी की है तो केवल भूगोल वाले। Your phone's mobile data is turned off, so I can't help you with that at the moment. बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्षेत्र में कम हो रहा है। अब इस क्षेत्र पर पहले ध्यान दीजिए, इस क्षेत्र पर कम ध्यान दीजिए। भूगोल वाले काम इतना ही है, लेकिन रोकने का फिर सोशियोलॉजी वाला करेगा या पॉलिटिक्स वाला करेगा या एडमिनिस्ट्रेशन करेगा। तो भूगोल का काम तो उनका क्षेत्रीय स्वरूप बताना है कि कहाँ ज़्यादा है, फिर क्यों ज़्यादा है ये भी बताता है वो कि भाई इन इन कारणों से यहाँ ज़्यादा है। सर जैसे ट्राइबल एरियाज की बात होती है तो वहाँ क्या देखा जाए? देखो ट्राइबल एरियाज के बहुत ज़्यादा आंकड़े तो नहीं हैं, लेकिन जो भारत सरकार ने अभी एक रिपोर्ट छापी थी सन 2012 में, उसमें ये है कि ट्राइबल एरिया में भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। वहाँ भी जो बच्चों का अनुपात है वह घट रहा है बच्चियों का। तो ऐसा लग रहा है कि क्रमशः यह रोग जनजातीय क्षेत्रों में भी फैल रहा है। माने कोई क्षेत्र कोई जात कोई धर्म इससे अप्रभावित नहीं है। लभी सब धर्म जात के लोग लगभग इस प्रैक्टिस में जाने लगे हैं। दबाव ये है कि सरकार कहती है 2 बच्चे पैदा करिए, कुछ देशों में तो क्षेत्रों में तो कह दिया कि नौकरी से हटा दिए जाएंगे। तो अब एक दबाव है कि 2 बच्चे पैदा हों, दूसरा दबाव है हमारे मन में जो चला रहा है परंपरागत रूप से कि बच्चे बेटा ही हो। तो हम ये रिस्क कैसे लेंगे कि हमारा ये जो गर्भ है वो बच्चा हो बेटा होगा कि नहीं, इसके लिए सीधे अल्ट्रासाउंड या तमाम और टेक्निक हैं। अब तो ऐसी टेक्निक आ गई हैं कि गर्भधारण के पहले भी यह निर्धारित कर लिया जाता है कि जो गर्भ हो रहा है वो बच्चा ही होगा, बच्ची नहीं होगी, यह भी टेक्निक आ गई है। तो लोग इस रिस्क से बचने के लिए कि 2 में ही हमारे बेटा हो जाए शुरू कर देते हैं। कलम ने ध्यान दिया हो बताया था कि ये पढ़े लिखे लोगों में ज़्यादा रोग है। जितने 12 वर्ष या उससे अधिक पढ़े हुई महिलाएं थी, प्रेग्नेंट महिलाएं, उनमें से 84% से अधिक महिलाओं ने अल्ट्रासाउंड कराया और लगभग 8% ने फिर इवार्शन कराया। ये कब का है? ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 15-16 का है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण का है, NFHHC कहते हैं उसको, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण। मेक ओवर फैमिली सैलून, हेयर सर्विस फॉर गर्ल्स एंड बॉयज, ब्लीच हेयर, डू स्टाइलिंग, मेकअप, वैक्स फॉर बॉडी एंड फेस, फेशियल, क्लीनअप। पता सिविल लाइन चौराहा, यूनियन।